हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, क्योंकि WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमन को भी ऐड कर दिया है रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू में बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर के मैच में, इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमन बैकलैश पेपरव्यू में पहली बार उनके WWE के करियर में WWE चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, और शार्लेट फ्लेयर का सस्पेंशन हटा दिया गया है मंडे नाइट रॉ से, और रोमन रेंस अगर आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जीत गए तो डैनियल ब्रायन को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन छोड़कर जाना पड़ेगा, और अपोलो क्रूज का भी मैच सेट हो गया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आने वाले स्मैकडाउन में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन और ड्रू मैकइंटायर ने पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में जब टैग टीम मैच में फाइट किया था टी बार और मेस से, तो वो दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए थे, और इसलिए टी बार और मेस पिछले हफ्ते जीत गए थे, और इसलिए इस हफ्ते रॉ में फिर से ड्रू और ब्रॉन ने टीम अप किया टी बार और मेस के खिलाफ। लेकिन इस मैच में ड्रू ने गलती से स्ट्रोमन को क्लोज लाइन मार दिया और ड्रू काउंट आउट हो गए, और एक बार फिर टी बार और मेस की टीम जीत गई। लेकिन दोस्तों, मैच के बाद गुस्से में आकर स्ट्रोमन ने अटैक कर दिया ड्रू मैकइंटायर पे, और उन्हें रनिंग पावर स्लैम देकर स्ट्रोमन ने उनका गुस्सा दिखाया ड्रू मैकइंटायर को, और इसलिए ड्रू ने एडम पियर्स से कहा कि वो स्ट्रोमन फाइट करना चाहते हैं आज रात रॉ में। पर स्ट्रोमन ने एडम से कहा कि अगर वो ड्रू से जीत गए तो उन्हें भी बैकलैश पेपरव्यू में ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लैशली के मैच में रख देंगे एडम पियर्स, और इसलिए ये स्टिपुलेशन ऐड हो गई इन दोनों के आज के मैच में। दोस्तों, जब ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच हुआ आज मंडे नाइट रॉ में, तब MVP और बॉबी लैशली की वजह से स्ट्रोमन हारने वाले थे, लेकिन फिर टी बार और मेस के इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक बार फिर रनिंग पावर स्लैम दे दिया ड्रू मैकइंटायर को, और वो ये मैच भी जीत गए, और इसलिए अब रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू में ब्रॉन स्ट्रोमन फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर और WWE चैंपियन बॉबी लैशली को WWE टाइटल के मैच में, और अगर इस मैच में स्ट्रोमन जीत गए तो वो उनके करियर में पहली बार WWE चैंपियन बनेंगे, क्योंकि स्ट्रोमन भले ही यूनिवर्सल चैंपियन पिछले साल बन गए थे लेकिन वो अभी तक कभी भी WWE चैंपियन नहीं बने। पर दोस्तों, मुझे लगता है कि क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच है, इसलिए इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, और इसलिए टी बार और मेस इस मैच में इंटरफेयर करके ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन को हरवा देंगे, और लैशली फिर से उनका WWE चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे, क्योंकि लैशली समर स्लैम 2021 से पहले उनका WWE चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ड्रू मैकइंटायर या ब्रॉन स्ट्रोमन रेसलमेनिया बैकलैश के बाद नए WWE चैंपियन बनेंगे, या फिर बॉबी लैशली उनकी WWE चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू में, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, शार्लेट फ्लेयर को WWE ने सस्पेंड कर दिया था पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि जब रिया रिप्ले ने उन पर अटैक किया तो शार्लेट ने गुस्से में आकर रेफरीज पर अटैक करना शुरू कर दिया था, और इसलिए उन्हें ना सिर्फ $100,000 फाइन देने पड़े बल्कि WWE ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। पर इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में शार्लेट फ्लेयर ने WWE मैनेजमेंट, WWE के रेफरीज और WWE यूनिवर्स से सॉरी कहा, इसलिए शार्लेट का सस्पेंशन हटा दिया गया है, और आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बिगी फेस करेंगे अपोलो क्रूज को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में। पर इस मैच में एक बार फिर अपोलो के कमांडर अजीज इंटरफेयर करके बिगी को चैंपियन बनने से रोक देंगे, और रोमन रेक्स फेस करने जा रहे हैं डैनियल ब्रायन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में, और इस मैच में अगर रोमन जीते तो डैनियल ब्रायन को स्मैकडाउन छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों के मैच में कौन जीतेगा, द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स या फिर द यस मूवमेंट के लीडर डैनियल ब्रायन, कमेंट करके मुझे बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।